My friends, my name is Ravi Kumar. Welcome to Accurate Info Bharati. Today my topic is employment pass in Singapore and quota in Singapore for employment pass. आज का जो टॉपिक था यार वो एक ही क्वेरी आई थी कि सर कोई कंपनी मुझे एम्प्लॉयमेंट पास दे रही है, क्या एम्प्लॉयमेंट पास के लिए यानी कोई कोटा सिस्टम चाहिए सिंगापुर एम्प्लॉयर को। सो यार देखो, मैं इस वीडियो को पूरा डिस्कस करना चाहता हूँ। सो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नया है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और ये वीडियो आप अपने दोस्तों या फैमिली ग्रुप में शेयर कर दो। और अगर आप एम्प्लॉयमेंट क्या होता है आपको आई बटन में मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट भी आपको इधर या इधर आ रहा होगा आपको आई बटन में मिल जाएगा। और उसकी एलिजिबिलिटीज़ अगर आपको देखनी है एम्प्लॉयमेंट के कि एम्प्लॉयमेंट आपको पास के लिए कौन सी एलिजिबिलिटीज़ होनी चाहिए, मीन्स आपकी एजुकेशन कौन सी होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए और कौन सी फील्ड्स होनी चाहिए, आपको इधर आई बटन में वीडियोस मिल जाएंगे। आप देख लेना बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट पास क्या होता है, एलिजिबिलिटीज़ क्या होती है। मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट पास के ऊपर कुछ वीडियोज़, और अगर मेरे चैनल पर भी आप एम्प्लॉयमेंट पास की वीडियोज़ देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ इधर आ रहा होगा आई बटन पर आप देख लेना एम्प्लॉयमेंट पास के ऊपर। तो आज के जो सिस्टम है यार एम्प्लॉयमेंट पास जो होता है मोस्टली आईटी कंपनीज, हेल्थ केयर सेक्टर्स और आपको मार्केटिंग में भी आपको एम्प्लॉयमेंट पास मिल जाएगा। सो इसकी एजुकेशन क्या है वो आप पिछली वीडियोस में देख लेना। लेकिन यार देखो क्या कि आज का सिस्टम कोटा के ऊपर बात कर रहे हैं कि देखो सिंगापुर में ऐसा एम्प्लॉयमेंट पास के ऊपर कोई कोटा सिस्टम नहीं होता है। अगर कोई ई पी पर काम करना चाहता है ओनली कंपनी को टर्नओवर दिखाना पड़ता है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा है। अगर किसी कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं है वो एम्प्लॉयमेंट पास पर हायर नहीं कर सकता है किसी भी एम्प्लॉय को। सो एम्प्लॉयर को जो है अगर एम्प्लॉयमेंट पास एक या दो व्यक्ति चाहिए सो उसको कंपनी का जो बिजनेस है वो बड़ा होना चाहिए, मीन्स टर्नओवर बड़ा होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पर अगर एम्प्लॉयमेंट पास की बात करें तो $4,500 से अबव जाती है सैलरी। अगर कंपनी का टर्नओवर इस मंथली का अगर 100 over 1000 है एक एम्प्लॉयमेंट पास वो आराम से अप्लाई कर सकता है। ये भी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि एक कंपनी में 10 एम्प्लॉयमेंट पास भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। वो करता है कि कंपनी में कितना टर्नओवर साल का चल रहा है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट पास में कोई कोटा सिस्टम नहीं है, ओनली आपकी एजुकेशन का क्राइटेरिया मिलना चाहिए और कंपनी का टर्नओवर होना चाहिए, मीन्स कंपनी में जो एम्प्लॉय है वो कितने सारे हैं और कितना बिजनेस है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। सो इस थोड़े से इन बेसिस के ऊपर आपको एम्प्लॉयमेंट पास के मिल जाता है। ऐसा नहीं कोई छोटी कंपनी है एक ही एम्प्लॉयमेंट पास इस कंपनी में, बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं हो सकता है। सो कंपनी की एक और ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़ी होनी चाहिए, उसका जो टर्नओवर है वो वेल सेटल्ड होना चाहिए। सो उस हिसाब से आपको एम्प्लॉयमेंट पास मिलता है। ये कौन कौन से फील्ड्स में मिलता है मैं बता दिया, हेल्थ केयर में मिल जाता है, आईटी सेक्टर्स में तो बहुत ही आसान है क्योंकि आईटी सेक्टर्स में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी आपको एक या दो एम्प्लॉयमेंट पास मिल जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो मिलते हैं वो एम्प्लॉयमेंट पास जो होते हैं आईटी सेक्टर, हेल्थ केयर एंड मार्केटिंग सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट पास आपका होता है। अब उसके हिसाब से आपकी डिग्री होनी चाहिए। आप देख लेना मेरे वीडियोज़ में जाके एलिजिबिलिटीज़ क्या और बेनिफिट क्या है। सो और एम्प्लॉयमेंट पास हाई स्किल पास होता है, मैंने आपको बता दिया। सो इसके लिए कोई कोटा सिस्टम नहीं होता, ये कंपनी के ऊपर कंपनी की टर्नओवर और कंपनी का साइज कितना बड़ा होता है, ठीक है। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।